गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया हाउ कैन यू फास्टली एंड फैंटास्टिक इंग्लिश। सो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि आपको जो है वो किसी भी इंग्लिश को फैंटास्टिक या फास्टली बोलने के लिए आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे बैठे फ़ोन में आप कैसे कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी ट्रिप विद निशू गाइस। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कैसे आपको जो है वो इंग्लिश फैंटास्टिक और फास्टली बोलना है। तो नेक्स्ट वीडियो में तो हमने ये आपको बता दिया कि आप कैसे, कुछ टिप्स मैंने बताया था। अगर आप चैनल पर न्यू है और अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस और चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने कुछ टिप्स बताया कि आपको क्या टिप्स फॉलो करना है जिससे कि आप फास्टली और फैंटास्टिक इंग्लिश बोल सकते हो। बट गाइस, आपको मन में ये सोच रहे होंगे, ये डाउट हो रहे होंगे कि फिर हमें तो कोई कोर्स करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए फिलहाल तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन में भी आप फैंटास्टिक और फास्टली इंग्लिश बोलने सीख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं कुछ ऐप्स बताऊंगी जो कि ऐप के द्वारा, कुछ ऐसे ऐप है जिसके द्वारा आप फैंटास्टिक इंग्लिश आप सीख सकते हो। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि हेलो इंग्लिश, ट्रांसलेशंस इंग्लिश, राइट इंग्लिश स्किल्स, फिर इंग्लिश कन्वर्सेशंस, ऐसा बहुत सारे आपको ऐप्स मिल जाएंगे जिसके द्वारा आप इंग्लिश जो है वो लर्न कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होगा गाइस, बस आप जो भी आप हिंदी हो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशंस या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशंस इस तरह से आप करके आप जो है वो ऐप के द्वारा ही आप फ़ोन में अच्छी इंग्लिश एंड फैंटास्टिक एंड फास्टली इंग्लिश आप सीख सकते हो गाइस। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए कि कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसके ऐप के द्वारा ही आप घर पे बैठे ही आप इंग्लिश सीख सकते हो, आपको कहीं भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गाइस, पहले तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि आपको सीखने पड़ेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस आपको सीखना पड़ेगा, फिर जा करके आप इजली और फैंटास्टिक इंग्लिश बोल सकते हैं जो हम लोग कॉमनली यूज़ डेली वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसे अगर आप सीखोगे गाइस तो आज जाकर आप नेक्स्ट, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो फैंटास्टिक और फास्टली इंग्लिश सीख जाओगे। सो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया, कुछ ऐसे ऐप्स मैंने शेयर किए जिससे कि आप फैंटास्टिक इंग्लिश सीख सको। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस। अगर किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।